गुड मॉर्निंग भैया, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने बैंक से या फिर कई प्राइवेट कंपनियों से लोन लिया है और लोन चुका पाने में असमर्थ हैं। मेरा कहने का मतलब है कि घर में कोई परेशानी है, इसलिए लोन नहीं चुका पा रहे हैं, किस्त नहीं चुका पा रहे हैं और बैंक या फिर उन कंपनियों से समय मांग रहे हैं और वो कंपनियां और बैंक उनको समय नहीं दे रहे हैं। बार बार उनके जो रिकवरी एजेंट हैं उनको गाली गलौज कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए। देखो भाई, यदि आप ऐसी परिस्थितियों में हो तो आपको एक बात समझनी होगी। सबसे पहले तो आपको अपनी आवाज़ खुद उठानी पड़ेगी। आप किसी के पास जाएंगे, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सोचते हैं कि हमारा कोई दोस्त है वो हमारी मदद करेगा, हमें यहाँ ले जाएगा वहाँ ले जाएगा जहाँ से हमें शायद कोई मदद मिले, तो ये बात भूल जाइए। आपको अपनी आवाज़ खुद उठानी पड़ेगी। बहुत सारे माध्यम हैं अपनी आवाज़ उठाने के। नज़दीकी पुलिस स्टेशन में आप जा सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं, RBI पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं और भी दूसरे माध्यम हैं जहां पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन ये आपको तब करना है यदि आपके पास पैसे नहीं हैं, आप वाकई में चुकाने में असमर्थ हैं तो आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन भाई, यदि आपने लोन लिया है, आप जानबूझकर पैसा नहीं चुकाना चाहते हैं, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। नीयत साफ रखोगे तो ऊपर वाला भी सुनेगा। तो कहीं मत जाइए, अपनी आवाज़ खुद उठाइए, सोशल मीडिया पर आइए, अपनी आवाज़ उठाइए कि हमें इस तरह से परेशान कर रहे हैं, हमारी माँ बहन को गाली दे रहे हैं। माँ बहन को गाली देने वाली बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं कि रिकवरी एजेंट किस तरह से हैरेसमेंट करते हैं, कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल लगाते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है, आप अपनी आवाज़ खुद उठाएँ, सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ उठाएँ, ट्वीट करें, ट्विटर पर ट्वीट करें और मीडिया के बीच भी जाएँ, अपनी आवाज़ उठाएँ। आज नहीं तो कल आपकी आवाज़ को ज़रूर सुना जाएगा। जय हिंद, जय भारत।